व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल द आशिमा शो। सो दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हर यूट्यूबर जब अपना चैनल स्टार्ट करता है तो इस दिन का ड्रीम करता है कि कब वो दिन आएगा कि 100K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे और यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा सिल्वर प्ले बटन, अबाउट विच आई एम सो एक्साइटेड एंड आई कैन नॉट वेट इनफ टू अनबॉक्स इट। पर मैं चाहती थी कि मैं अपना सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग आप सबके साथ करूं, तो पहले करते हैं सिल्वर प्ले बटन को अनबॉक्स और उसके बाद बात करूंगी मैं अपनी इस यूट्यूब की जर्नी के बारे में, बिकॉज ईच वन ऑफ यू हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो आपको बताऊंगी कि व्हाट इट इज लाइक टू बी अ यूट्यूबर। चौड़ में शुरू में हम 3-4 वीडियोस तो डाल देते हैं, बट उस चीज को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रखना कैसा रहता है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या यूट्यूबिंग करना पार्ट टाइम जॉब है या फिर उससे बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। गैजेट्स के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, क्या कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना होता है, कैसे थंबनेल बनता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी को लेकर वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं करती हूँ आप लोगों से बात। सिल्वर बटन एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जितना हक है सिल्वर बटन पे मेरा है, उतना ही हक आपका भी है, क्योंकि ये हमारी जर्नी एक साथ रही है। तो चलो अभी सिल्वर बटन को साइड पे रखते हैं और मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई यूट्यूब जर्नी। UGC वैक्सीन कब तक आएगी, डिपेंडेंट वीजा, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए आई थिंक दिस इज रॉन्ग, अमेरिका के फ्लैग जलाए जा रहे, SpaceX और नासा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, कोरोना वायरस, 19% पेशेंट्स आते हैं डर फैलाने के लिए नहीं, 20 लाख करोड़ के पैकेज, सरकार द्वारा उठाए कदमों पर कुछ शंका पैदा होती है, षड्यंत्र सामने आया है, अपनी स्टेट को ट्रस्ट करें या फिर UGC को, प्रेसिडेंशियल 2020 इलेक्शन, ग्रीन जोन के इलाके, फिर आती है स्टेज 3, काम पे जाना है कि नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने शाम को 5:05 तक थाली बजाना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमारे शरीर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज, वी शुड बी अवेयर एंड नॉट टेक इट लाइटली। It's been a little more than a year since I started my YouTube channel. और अगर मैं आपको समरी में बताऊँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है, so it has been really, really beautiful. एक साल पहले का मैं आपको बताऊँ तो एक साल पहले मैं इंडिया में थी और वहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो अपनी जॉब को छोड़ के मैं US आई थी और US आने के बाद मैं जॉब नहीं कर रही थी, so I didn't had anything productive to do and that's how I started my YouTube channel when I came to America last year. Many of you know that कि the Ashima Show नाम से पहले मेरे चैनल का नाम था आशिमास किचन, वेयर आई यूज टू शेयर माई रेसिपीज। मैंने 30-40 वीडियोस बनाई थी कुकिंग की और मैंने इस जर्नी को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। मुझे लगा कि कुकिंग इजी है और मुझे आती है, तो मैं क्यों ना अपनी रेसिपीज आप सबके साथ शेयर करूं। बट स्लोली आई रियलाइज कि जो कुकिंग वाली सेगमेंट है यूट्यूब के ऊपर, दैट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड एंड इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टू रीच दिस 100K बेंचमार्क, एंड दैट्स वेयर आई शिफ्टेड माई सेगमेंट फ्रॉम कुकिंग टू करंट न्यूज अफेयर्स। क्योंकि मुझे स्लोली ऐसा रियलाइज हुआ कि लोगों को करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट इज गोइंग अराउंड इन देयर कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, एंड गाइस दैट वाज अ टाइम व्हेन कोरोना हैज हिट चाइना, और टू माय सरप्राइज आई वाज द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर हु वाज कवरिंग इट एक्सटेंसिवली। मतलब उस टाइम मेरी वीडियोज़ कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल टॉप रैंकिंग्स में आती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कोई ऐसी सेगमेंट में काम कर रही हूँ, अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ कि लोगों को पता लग रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, एंड बिकॉज आई वॉज मेकिंग वीडियोज ऑन कोरोना वायरस एंड लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला एंड आई एम रियली एंजॉइंग दिस सेगमेंट एंड या देयर वी आर। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या यूट्यूबिंग एक पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। एज पर मी आई डोंट थिंक सो, बिकॉज
यूट्यूबिंग टेक्स अ लॉट मोर. आपको अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. इफ यू आर रियली सीरियस इन टू दिस बिजनेस एंड वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, देन इट टेक्स अ लॉट मोर देन अ पार्ट टाइम जॉब. सो नाउ लेट मी टेल यू वट गोज बिहाइंड प्रोड्यूसिंग अ वीडियो आई मेक. तो सबसे पहले तो डिसाइड करना होता है टॉपिक, और वो भी ऐसा जो लोगों के लिए यूजफुल हो और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए. टॉपिक डिसाइड होने के बाद आता है रिसर्च वर्क, जिसमें मैक्सिमम टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, देयर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल. तो पूरी एक फॉर्मल स्क्रिप्ट बनती है. स्क्रिप्ट बनने के बाद आता है शूट करने का प्रोसेस, जिसमें भी टाइम लगता है, और शूट के बाद होती है एडिटिंग. तो ये पूरा प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं एक वीडियो क्रिएट करने का, तो इट टेक्स 1 to 2 days ऑफ एक्सटेंसिव हार्डवर्क, जिसके बाद एक 10 मिनट की वीडियो बनती है. तो इसका मतलब है कि अगर हफ्ते में आप 3 वीडियोस डालने का टारगेट कर रहे हो, देन यू गॉट नो हॉलीडेज. एंड द सेम हैपन्स विद मी, आई वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे विद नो हॉलीडेज. तो अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. इफ आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वेन आई स्टार्टेड माई चैनल, आई स्टार्टेड इट विद माई फोन. मेरे पास उस टाइम प्रोफेशनल लाइट्स भी नहीं होती थी. जब मैं कुकिंग की वीडियोस रात में शूट करती थी, किचन में लाइट प्रॉपर नहीं होती थी, मैं अपने घर के लैंप्स को शेल्फ पे रख के शूट किया करती थी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू नीड टू बी पेशेंट. जैसे आपका YouTube चैनल ग्रो होगा, धीरे धीरे अपनी एक्सेसरीज परचेज कर सकते हो. और गाइज, YouTube की तरफ से ये एक प्यारा सा मैसेज भी आया है, इसकी एक लाइन पढ़ के मैं आपको बताती हूँ. यू हैव जस्ट डन समथिंग दैट वेरी फ्यू YouTube क्रिएटर्स अकम्प्लिश. यू हैड एन एस्टॉनिशिंग 100K पीपल सब्सक्राइब टू योर चैनल. वेल गाइज, थैंक यू सो मच, दिस इज सो हार्ट टचिंग. एंड ये बिल्कुल, मैं बार बार कहती हूँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिलता. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस मैं ये खुशी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप ही इस खुशी के उतने ही हकदार हो जितने की मैं हूँ. और अगर आपको कोई भी सवाल हो यूट्यूबिंग को लेकर, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच ऑफ योर कमेंट्स. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, कोई फीडबैक देते हो, कोई सवाल पूछते हो. ऐसे ही आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और ऐसे ही मैं आप सबके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाती रहूँगी. तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. सो फाइनली अनबॉक्स हो गया है, क्या हो गया मुझे याद ही नहीं आ रहा बोलना क्या है. एंड बिकॉज आई वॉज मेकिंग वीडियोज ऑन कोरोना वायरस एंड देन लेटेस्ट न्यूज. अब